नगर दिवस का जो रहता है उसी के अंतर्गत आज हम चाडोरा टाउन का दौरा कर रहे थे। मेरे साथ चेयरमैन साहब ने जी साहब ने सारे वार्ड मेंबर से जो तरक्याती काम करे उनका दौरा हुआ। दूसरा जो आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए जो प्लान्स है उनका ऑन वे काम जो है उनका दौरा हुआ। मैं हमेशा मानता हूँ कि बड़गाम की जो आवाम है वो काफ़ी टैलेंटेड है, तो आइडियाज़ भी क्या है कि हम अपने टाउन को ब्यूटिफाई कैसे करें उसके लिए हम यहाँ से। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द वर्क टीम डन। बहुत सारे काम पाए तकनीक के पहुँचने वाले हैं और जल्दी ही आवाम को देखते हैं। मैं पूरी टीम को यहाँ के सबको सफाई में भी जो उन्होंने अभियान स्टार्ट किया है वो कंटिन्यूस चलाया है इन्होंने। आज से 6 महीने या 1 साल तक की जो हालत वैसी है, आपके वफाकत से आवाम से यही है कि म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ प्रशासन के साथ ताउन करें। जो भी स्कीम्स है जो भी फैसिलिटीज़ है उनका अच्छे से। अगर हम ट्रैफिक जाम के हवाले से बात करें कि पीक आवर्स में यहाँ बहुत ज़्यादा जाम देखने को मिल रहा है, हालांकि यहाँ पे जो इंतज़ाम है उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई थी बड़ी गाड़ियों के लिए, मगर फिर भी यहाँ पे जाम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से लोगों से बहुत काफ़ी यहाँ पे पॉपुलेशन है काफ़ी अच्छे से बन रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा लोड है जिसको जैसे आपने देखा होगा म्यूनसिपैलिटी ने यहाँ पे डिवाइडर लगा दिया है, बताया रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है या टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है। उसके साथ साथ जो अब बस स्टैंड का है या जो हमारे साइड से किस हिसाब से हम उसको रिस्ट्रक्चर कर लें ताकि आवाम की जो मूवमेंट है उस पर असर ना हो, तो ये भी अंतरिम सॉल्व हो जाएगा। फायर एंड एमरजेंसी के हवाले से हम बात करेंगे, इस साल हमने कई जगह पर आग की वारदातें देखने को मिली जहाँ अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को पिकअप भी किया है, मुझे लगता है उसमें जल्दी होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जैसे कल की भी वारदात जो भी किया इससे पहले 2-3 महीने पहले जो हुई उसमें हमें लगा कि कहीं ना कहीं जो हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को खुला छोड़ देते हैं या थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है ताकि ये ऐसा जो डिजास्टर होने से हम रोक सकें। तो बोर्ड सेफ्टी मेजर्स एज वेल एज जो फायर ऑगमेंट करने की जो डिमांड है उसके दो बाथरूम मरम्मत के लिए भी बंद हो गए थे वो भी खुल रहे हैं, और जो फैसिलिटी है पब्लिक फैसिलिटी चाहे अटेंडेंट हो पेशेंट के साथ या पेशेंट के लिए भी ज़्यादा फैसिलिटी उसमें इंप्रूवमेंट लाई जा रही है। हमने 3 टायर सिस्टम भी यहाँ पे अब लागू किया है, तो हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं आने वाले वक्त में सर्विस रोड अब प्रॉपर। हमने जो हमारे ईओ साहब है इसके सब स्टेक होल्डर से मीटिंग की प्रॉपर्टी टैक्स के हिसाब से, पहले तो रूरल एरियाज में बिल्कुल भी नहीं है वो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। एग्जम्पशन जो है जो गरीब है या जिसके पास बहुत कम है वो एग्जम्प्टेड है। तीसरा बहुत कम है बाकी स्टेट्स के मुकाबले में बहुत कम है, तो अवेयरनेस दे रहे हैं जैसे हम पानी का टैक्स देते हैं जैसे हम बिजली की फी देते हैं उसी हिसाब से ये साल में एक बार है। और चाडोरा की जो कैलकुलेटर जो आप अवेलेबल भी है ऑनलाइन या अगर आप उसके हिसाब से देखें तो बहुत कम फी आता है बहुत कम। तो मुझे लगता है कि ये इसका जो मकसद होता है कि जो एक बॉन्ड बने ये जो म्यूनसिपैलिटी और लोगों के बीच इससे और स्ट्रांग होता है। और ये फंड अगर चाडोरा में कलेक्ट हुआ ये चाडोरा के में ही रहेगा, ये यहाँ भी निकालिए। हमने बहुत सारे CSC ऑपरेटर्स को फाइन भी किया है, स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेंगे। जो रेट्स है वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, हमने हर CSC ऑपरेटर पे मैंडेटरी रखा है कि वो रेट लिस्ट बताए अदरवाइज उसके लाइसेंस कैंसिल हो जाए। तो उस हिसाब से मुझे लगता है आने वाले वक्त में 10-15 दिन में ये जो लोगों तक जानकारी है कि किस सर्विस के लिए कितनी रेट है वो पब्लिक को जानकारी।